डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एन करियर काउंसलिंग सेशन। आज के सेशन में जिस करियर की बात करेंगे वो है आपके पास करियर एज कंप्यूटर इंजीनियर। ये जो सेगमेंट चल रहा है हमारा, ये चल रहा है ग्रेजुएशन कोर्सेज आफ्टर क्लास 12। तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर आप बी टेक या फिर बी करना चाहते हैं, यानी बैचलर इन टेक्नोलॉजी एंड बैचलर इन इंजीनियरिंग, तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन है, जिसमें हमने डिस्कस किया करियर एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंजीनियर, फिर हमने डिस्कस किया करियर एज टेक्नोलॉजी इंजीनियर। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे करियर एज कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है। यानी अगर आप इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, क्या होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, सैलरी कितनी होती है, कौन कौन सी कंपनीज रिक्रूट करती हैं आपको, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने इस पर्टिकुलर सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी कंप्यूटर इंजीनियर्स होते क्या हैं, या फिर मैं बात करूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या होती है। कंप्यूटर इंजीनियर्स डेवलप एंड इम्प्रूव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। दे मे स्पेशलाइज इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। They make use of their existing knowledge to make computer application more effective and efficient. तो basically जो computer engineers होते हैं, इनका काम क्या होता है, develop करना hardware और software programs को। ये किसी एक particular field में क्या होंगे, specialized होंगे, या तो hardware में या फिर क्या software में। Clear out हो रहा है, ठीक। अगर बात करी जाए तो ये क्या करते हैं, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज होती है इनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जिसको बहुत efficiently और effectively यूज करते हैं programs को develop करने के लिए। कंप्यूटर इंजीनियर्स ऑल्सो वर्क ऑन द लेटेस्ट इनोवेशन, डेवलपिंग न्यू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिजाइन इंप्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सेट्रा। जो आपके कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, ये जो आपके नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर उनकी डिजाइन इंप्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक। It is one of the dynamic professional field as it offer career both in software development and hardware engineering. एक बहुत अच्छा career option है, क्योंकि आपको ये software developing भी सिखाता है और hardware engineering भी सिखाता है। अगर मैं बात करूँ आज की date में computer science engineer एक booming career option है आपके लिए, क्योंकि इसका salary package भी बहुत अच्छा होता है। आप सभी देख रहे होते होंगे आजकल सारा work आपका क्या है, It's just all related to computer application system. आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप एक स्किल है आपके पास, आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो यू हैव टू चूज करियर अकॉर्डिंगली, अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जानिए, उस अकॉर्डिंग अपना करियर ऑप्शन चूज करिए। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। कंप्यूटर इंजीनियर्स वर्क बोथ विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज इट देयर जॉब एंश्योर दैट टू आर सीमलेसली इंटीग्रेटेड एंड फंक्शनल प्रॉपरली, ठीक है। ये दोनों चीजों पे वर्क करते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। क्लियर आउट हो रहा है। जस्ट लाइक दे आर काउंटलेस एप्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क, देर आर जस्ट एज मेनी करियर ऑप्शन फॉर दोज हु विश टू एंटर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोफेशन। क्योंकि अगर आप देखें तो काउंटलेस ऐप हैं, फेसबुक भी आपके पास क्या ऐप है, व्हाट्सएप भी क्या आपके पास ऐप है, आप पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, दे आर जस्ट ऑल एप्लीकेशन, इनको डेवलप किया गया है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्लियर आउट हो रहा है। हर चीज आप पोस्ट करते हो तुरंत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं, ठीक। तो दे आर जस्ट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्लियर आउट हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक टास्क होते हैं, बहुत ही ज्यादा, इसमें भी जब आप जाएंगे तो एक बहुत वास्ट ऑप्शन प्रेजेंट होता है इस पर्टिकुलर फील्ड में भी आपके पास। From robotics to wireless network and operating system to aircraft design, there is a specialization available for everyone. अगर बात करी जाए यहाँ पे तो robotics से लेकर के wireless network तक, ठीक है, और फिर operating system से लेकर के aircraft designing तक बहुत सारे specialization available हैं। यानी मैंने आपको बताया कि अगर आप computer engineering बनना चाहते हैं तो इसमें भी आपके पास स्पेशलाइज फील्ड होती है, जो बहुत ज़्यादा डीप में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक। ये तो एक नॉर्मल हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी वो स्पेशलाइज फील्ड होती हैं अपने अपकमिंग सेशन में। एलिजिबिलिटी टू बिकम अ कंप्यूटर इंजीनियर, क्या एलिजिबिलिटी होती है कि आप कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएं? टू बिकम अ कंप्यूटर इंजीनियर यू विल नीड टू फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन आउट हो रहे हैं। शुड हैव स्टडीड अ पास्ट पीसीएम इन क्लास 12 आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 75%। हाउएवर द मिनिमम एग्रीगेट रूल्स वैरी फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी, ये सभी को पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल आपके कितने होने चाहिए, 75% होने चाहिए क्लास 12th में विद पीसीएम, यानी कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं आ सकते, अंडरस्टूड है, ठीक है, बिकॉज जस्ट वी आर डिस्कसिंग बैचलर इन साइंस, और आप बोल सकते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो इसमें केवल साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ही एप्लीकेबल हैं जिन्होंने ट्वेल्थ में PCM ऑप्ट कर रखा है, PCB नहीं, क्लियर? PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मस्ट है आपके पास, इसके साथ अगर कोई सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक। और यहाँ पे मेंशन आउट हो रहा है 75% तो होना ज़रूरी है, फिर बहुत सारे आपके पास रिजर्वेशंस लग जाते हैं, तो जो ये परसेंटेज क्राइटेरिया वो क्या कर जाता है, कैटेगरी टू कैटेगरी वैरी कर जाता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। अपीयर्ड एंड पास्ड एनी ऑफ द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक JEE मेन, JEE एडवांस, BSAT, KECT, ये सभी को पता है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, वेस्ट बंगाल JEE। तो कुछ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, कुछ आपके पास क्या होते हैं नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन होते हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे तो JEE मेन और JEE एडवांस आपके पास क्या हो गया, नेशनल लेवल हो गया। BSAT बिट्स पिलानी कंडक्ट कराता है, यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। और हम बात करें अगर KCET की तो यह कर्नाटका गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होता है आपका। और फिर वेस्ट बंगाल JEE तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, ठीक है, या फिर वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। Should have studied BTech in a UGC approved college with a pass percentage, ठीक है, अगर आपने undergraduate program complete कर लिया हुआ, जैसे आपने qualify करके किसी भी अच्छे institution से, ठीक, तब आप फिर apply कर सकते हैं किसके लिए, master's program के लिए, and MTech degree will be advantageous, अगर आपने इसमें MTech कर रखा है तो और भी ज़्यादा privileges हो जाता है ये आपके पास। Some colleges also follow एज क्राइटेरिया, कुछ कॉलेजेस मतलब और अच्छा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है कुछ अलग होता है, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। अब आपके पास बात आती है टाइप्स ऑफ जॉब रोल फॉर कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर्स में भी मैंने कहा था डिफरेंट पर्टिकुलर फील्ड होती है, तो उसमें कौन कौन से जॉब रोल्स होते हैं उनको भी देखते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर सबसे पहला आ जाता है, दे वर्क क्लोजली विद नेटवर्क सपोर्ट स्टाफ टू डिजाइन नेटवर्क एक्सपेंशन एंड टू टेक केयर ऑफ नेटवर्क वर्क्स, इनका जो काम होता है यहाँ पे मेंशन आउट हो रहा है किसके साथ काम करते हैं, बेसिकली ये नेटवर्क सपोर्ट स्टाफ के साथ काम करते हैं नेटवर्क एक्सपेंशन और उन्हीं की देखभाल के लिए क्या करते हैं वर्कआउट करते हैं। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर, द कंप्यूटर प्रोग्रामर मेक यूज ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस टू राइट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपको पता होगा जावा हो गया C++ हो गया, ठीक है, डिफरेंट सारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं जिनको ये यूज करते हैं प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट इनकॉर्पोरेट न्यू टेक्नोलॉजी इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इनटू अ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डूइंग अ कॉस्ट सिस्टम एनालिसिस। द कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, सिस्टम डिजाइनर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस एंड प्रोग्राम एनालिस्ट, ठीक है। अगर बात करी जाए कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट की तो उनका काम क्या होता है, नए नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, उसको कंप्यूटर के अंदर क्या करना, इनबिल्ड करना, फिर उनको एनालाइज करना किसका कॉस्ट कितना होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होगा। तभी आप देखते होंगे कि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर डलवाते हैं कुछ अच्छे, तो जो आपके सिस्टम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, उनके रेट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। वो सारा काम किसका होता है, इन्हीं का होता है, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट का होता है। अब आपके ये भी क्या हो जाते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसमें भी अपना बाइफरकेशन हो जाता है कि आप सिस्टम डिजाइनर हैं, आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस है, या फिर आप प्रोग्रामर एनालिस्ट हैं। कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट नेटवर्क स्पेशलिस्ट प्रोवाइड सपोर्ट टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज विद एन ऑर्गेनाइजेशन, दे हेल्प IT स्टाफ एनालाइज ट्रबल शूट एंड एवेल्युएट द कंप्यूटर नेटवर्क प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट की बात हो रही होती है, बेसिकली इनका जो काम होता है वो IT मेंबर्स के साथ वर्क करना होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेंबर्स के साथ वर्क करना होता है, ठीक है, कि वहाँ पे उनके साथ कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उनके सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उनके नेटवर्क्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक, जैसे आप बात करते होंगे ना IT टीम है आपके पास, ठीक है, अब पूरा उनको हैंडल करना है सॉफ्टवेयर ईच एंड एवरीथिंग, पूरा सोशल मीडिया उनको क्या करना है, जैसे हैंडल आउट करना है, ठीक, तो वहाँ पर कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उनसे रिलेटेड जो इश्यू होता है वो कौन सॉर्ट आउट करता है, कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ठीक। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर, देर आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर, दे आर द क्रिएटिव माइंड बिहाइंड द कंप्यूटर ऐप गेम्स एज अ डिजाइन एंड डेवलप डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे ऐप्स को डिजाइन करते हैं, आप गेम्स को डिजाइन करते हैं, ठीक, ये सारी चीजें आप क्या करते हैं, अच्छे से डिजाइन करते हैं। अब बात आती है वेब डेवलपर की, दे क्रिएट अ वेबसाइट एंड वेबसाइट डिजाइन एंड लुक्स आफ्टर द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट, जितनी सारी आप वेबसाइट देखते हैं ये किसी ना किसी वेब डिजाइनर के थ्रू डिजाइन करी गई होती हैं, उस पर इनका बहुत सारा हार्डवर्क होता है, तब आपको वेबसाइट कितनी लगती है, इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि आप देखती है आपको सारी चीजें वहीं पर मिल जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल। सॉफ्टवेयर टेस्टर, देयर जॉब रोल इज टू टेस्ट द कोड्स एंड टू टेक केयर ऑफ द नेटवर्क वर्क्स, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर
टेस्टर होते हैं, इनका काम होता है टेस्ट करना कोर्ट्स को, और जो भी वहाँ पे इश्यूज आ रहे होते हैं उनको भी क्या करना, शॉर्ट आउट करना अच्छे से। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स। कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं? तो देखिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज में आप जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में आप जा सकते हैं, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में आप रिक्रूट हो सकते हैं एज अ टीचर या प्रोफेसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड आईटी फर्म्स में आप जॉब कर सकते हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं, फाइनेंस कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, फिर रिसर्च लैब में आप जॉब कर सकते हैं, आप डिजिटल कंसल्टिंग फर्म्स में जॉब कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस में आप जॉब कर सकते हैं। सभी को पता है आजकल सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा हाई हो रही, तो साइबर सिक्योरिटी भी बढ़ानी रहती है, ठीक। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है। ये वो टॉप सेक्टर्स थे जहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू करने के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे और मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम इसी के पार्ट टू को डिस्कस करेंगे, यानी वो कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप इस पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, पॉपुलर एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर आप कहीं पर रिक्रूट होते हैं आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।